आपने कई बार देखा या सुना होगा कि उस इंसान पर माता आ गई, या उस पर जिन आते हैं, या उस पर किसी आत्मा या फिर किसी भूत का साया है। आई एम फ्रॉम उत्तराखंड और यहाँ के पहाड़ी इलाकों में, स्पेशली रूरल एरियाज में, ये बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीफ होता है कि लोगों पर ऐसा कुछ आ सकता है। मतलब उत्तराखंड में ये एक आम सी बात है। ऐसे में वो लोग किसी स्पेसिफिक जगह पर, किसी स्पेसिफिक माहौल में या किसी प्रोग्राम में आकर कुछ ऐसा बिहेव करने लग जाते हैं जो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं होता। हर साल सेम जगह, सेम महीना, सेम दिन वो ऐसा एबनॉर्मल बिहेव करते हैं, लाइक बाल खोलकर ज़ोर ज़ोर से सर को हिलाना, किसी अलग तरह की आवाज़ में चीखना, चिल्लाना, बातें करना। यहाँ तक कि ऐसी हालत में वो ऐसा भी बहुत कुछ कर देते हैं जो नॉर्मल लोग बिल्कुल भी नहीं कर सकते या फिर करने के बारे में सोच भी नहीं सकते। जैसे खुद को नुकसान पहुंचाना, हाथ काट लेना, सर को दीवार पर मारना, आग से खेलना और भी बहुत कुछ। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इसके पीछे साइकोलॉजी क्या है, क्यों लोग ऐसा करते हैं और क्या सच में ऐसा कुछ होता है, मतलब भूत प्रेत का साया या फिर माता आना, इसके पीछे साइकोलॉजी क्या है। दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक बात हम आप लोगों को बताना चाहते हैं। इस वीडियो को दो तरह के लोग देख रहे होंगे और सोसाइटी में भी दो तरह के लोग ही होते हैं। पहले, जो इन सब बातों में बिलीव रखते हैं और उनका मानना होता है कि माता आना या जिन, भूत प्रेत, ये सब रियलिटी है। और दूसरे तरह के वो लोग होते हैं जो इसको अंधविश्वास मानते हैं। तो इस वीडियो का मतलब पहले तरह के लोगों के सेंटिमेंट्स को किसी भी तरह से हर्ट करना बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ हम सिर्फ ये बताएंगे कि साइकोलॉजी में इसको क्या माना जाता है और ऐसा बिहेव करने वाले ज़्यादातर लोग ऐसा क्यों करते हैं। तो आइए बात करते हैं आज के इस टॉपिक के बारे में और शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। एक इंसान जो अपने घर पे नॉर्मल है, सबसे प्यार से बात कर रहा है, खाना खा रहा है, खेल रहा है, हंस रहा है, एक नॉर्मल लाइफ जी रहा है, तो उस स्पेसिफिक जगह पर पहुंचने के बाद ऐसा क्या हो जाता है कि वो इंसान जो एक नॉर्मल लाइफ जी रहा था अचानक से कुछ और ही बन जाता है। सभी रिलीजन में इसको माना जाता है। मोस्टली ओल्ड जनरेशन के लोग इन सब चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा बिलीव रखते हैं। काफ़ी सारे रिलीजियस स्पॉट भी हैं जहाँ पूरे साल ऐसे हज़ारों लाखों लोग आते हैं और उन जगहों पर ऐसा बिहेव करते हैं। उन जगहों का नाम लेना तो इस वीडियो में सही नहीं है, पर हाँ, सारे रिलीजन में ऐसा कुछ ना कुछ ज़रूर होता है। जहाँ तक हमारी नॉलेज है, हिंदू धर्म में इसको माता आना या फिर ऊपरी साया बोलते हैं, मुस्लिम इसको जिन की हाजिरी या फिर पेशी कहते हैं और क्रिश्चियन इसको एविल स्प्रिट मानते हैं। इंडिया में ऐसे केसेस आपको हर जगह देखने को मिल जाएंगे जहां इंसान ये दिखाना चाहता है कि उसके ऊपर माता आई है या उसके ऊपर जिन है या उसके ऊपर कोई ऊपरी साया है। वो सोसाइटी को ये दिखाना चाहता है कि उसके अंदर कोई डिवाइन पावर है जिससे वो कोई भी मिरेकल कर सकता है। आप में से शायद कुछ लोग होंगे जो इस तरह के रिलीजियस प्लेस पर गए होंगे और उन्होंने ये सब ज़रूर देखा या फिर सुना होगा। तो आइए देखते हैं कि इसके पीछे साइकोलॉजी क्या है। तो जो लोग भी इस तरह का बिहेव करते हैं या फिर ये कहते हैं कि उनके पास कोई डिवाइन पावर्स है जिससे वो मिरेकल कर सकते हैं, तो इस तरह के बिहेव को कहा जाता है पोजीशन ऑफ गॉडलीनेस। जो भी लोग इस तरह का बिहेव करते हैं उनमें से मोस्टली लोग किसी ना किसी तरह की मेंटल प्रॉब्लम को फेस कर रहे होते हैं। ये साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स कई तरह की हो सकती है, लाइक स्किज़ोफ्रेनिया, मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, पोजेशन सिंड्रोम, और सबसे ज़्यादा चांसेस ये होते हैं कि वो इंसान डेमोनिक पोजेशन को फेस कर रहा हो। डेमोनिक पोजेशन की बात करें तो उससे पहले ये जान लेना ज़रूरी है कि आखिर लोग ऐसा करते क्यों हैं। मोस्टली देखा ये जाता है कि लोग ऐसा वेयर्ड बिहेव या तो रिलीजियस प्लेस पर पहुंचकर करते हैं या उस तरह के किसी प्रोग्राम में करते हैं। अब सवाल ये उठता है कि जो इंसान घर से नॉर्मल आया हो वो ऐसी जगह पर पहुँचते ही ऐसा बिहेव क्यों करने लग जाता है। तो होता ये है कि वो इंसान जब तक घर पर होता है वो अपनी एक नॉर्मल लाइफ जी रहा होता है या किसी भी तरह से वो बिजी होता है, तो उसके अंदर से ये एबनॉर्मल फीलिंग बाहर नहीं आ पाती। लेकिन जब वो इंसान ज़्यादा रिलीजियस माहौल में पहुंच जाता है, आसपास उन्हीं चीज़ों को पाता है, तो उस पॉइंट पर आकर वो जब उस माहौल से इमोशनली कनेक्ट कर जाता है, उसके सबकॉन्शियस की सारी चीज़ें, सारी बातें, सारी आदतें बाहर आने लग जाती हैं। अब बात करते हैं कि लोग ऐसा करते क्यों हैं। इंडिया में सुपरस्टिशियस लोगों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है। सोसाइटी के लोग इस बात को तो एक्सेप्ट करते हैं कि कुछ लोग सिर्फ इस बात का ढोंग करते हैं कि उनके ऊपर कोई साया या फिर कोई गॉड स्पिरिट है, लेकिन वो लोग इस बात को भी मानते हैं कि कुछ लोगों पर सच में गॉड स्पिरिट होती है या फिर उनके ऊपर कोई
साया होता है, कोई अच्छा साया होता है जो उनको मैसेज देने के लिए आता है। अब इसके क्या रीज़न हो सकते हैं कि लोग खुद पर किसी स्पिरिट के होने का ढोंग करते हैं? इसके पीछे कुछ रीज़न जो समझ में आते हैं वो ये है कि इंसान जब किसी गॉड स्पिरिट के होने का दावा करता है, उस तरह से बिहेव करता है तो सोसाइटी में, स्पेशली रूरल एरियाज में, उसकी सोसाइटी में वहाँ उसको काफ़ी ज़्यादा सम्मान की नज़रों से देखा जाता है और उसे बहुत वैल्यू दी जाती है। अब जब वो लोग देखते हैं कि ऐसा करने से सोसाइटी में अच्छी तरह से ट्रीट किया जा रहा है, सब लोग उनकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं, तो ये सब देखकर कुछ लोग इस बात का फ़ायदा उठाकर ढोंग करना शुरू कर देते हैं। सोसाइटी के लोग भी इसको अपने कन्वीनियंस के हिसाब से दो कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं। अगर वो किसी दूसरे इंसान को किसी भी तरह से नुकसान पहुंचा रहा है या फिर निगेटिव है तो वो इविल स्पिरिट, और अगर वो इंसान किसी दूसरे इंसान को नुकसान ना पहुँचा कर बस खुद को नुकसान पहुँचा रहा हो या फिर कुछ ऐसा कर रहा हो जिसे देखकर लोगों को लगे कि ये मिरेकल या फिर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, तो वो गॉड स्पिरिट। चलिए अब बात करते हैं कि रियलिटी में डेमोनिक पोजेशन होता क्या है, ये किस तरह का डिसऑर्डर है। डेमोनिक पोजेशन एक ऐसा डिसऑर्डर है या फिर एक ऐसा स्ट्रांग बिलीफ होता है जिसमें इंसान को ये लगता है कि उसमें किसी डेविल की, किसी एलियन या फिर गॉड की स्पिरिट मौजूद है, और उसे ये विश्वास हो जाता है कि वो जो भी कर रहा है वो स्पिरिट के कहने पर ही करता है। इसके सिम्टम्स की बात करें तो जो इसके मेन सिम्टम्स हैं वो हैं मिसिंग मेमोरीज, परसेप्चुअल डिस्टॉर्शंस, लॉस ऑफ सेंस ऑफ कंट्रोल और आउट ऑफ द वर्ल्ड इमेजिनेशन। और भी काफ़ी सारे सिम्टम्स होते हैं जैसे कि अपनी रियल पर्सनैलिटी को भूल जाना और सिर्फ वही करना जो उनकी दूसरी पर्सनैलिटी उनसे करने के लिए बोल रही है, या जिसको कि वो गॉड स्पिरिट बोल रहे हैं वो उसे करने के लिए कह रहा है। जो भी इस तरह का बिहेव करता है तो इस बात के चांसेस हैं कि वो इंसान डेमोनिक पोजेशन को फेस कर रहा है। अगर आप फ्यूचर में इस तरह का कोई भी केस देखते हैं तो लोगों को बताइए और उनको इस तरह के अंधविश्वास से बचाइए। उन्हें ये भी ज़रूर बताएं कि जो इंसान ऐसा बिहेव कर रहा है उसे झाड़ फूँक तंत्र मंत्र की नहीं बल्कि एक अच्छे साइकेट्रिस्ट की ज़रूरत है। उन्हें जल्द से जल्द किसी साइकेट्रिस्ट के पास लेकर जाइए जिससे वो इंसान अपनी नॉर्मल लाइफ में वापस जा सके। और जैसा कि हमने वीडियो के स्टार्टिंग में भी आपसे कहा था कि इस वीडियो से हम किसी भी रिलीजियस सेंटिमेंट को हर्ट बिल्कुल नहीं करना चाहते। अगर आपको लगता है कि सच में ऐसा होता है तो ये आपका बिलीफ है और उस पर क्वेश्चन नहीं उठाया जा सकता। बस यहाँ आपको क्लियरली ये बताया गया है कि इन सब के पीछे साइकोलॉजी क्या है और जो लोग ऐसा बिहेव करते हैं वो लोग ऐसा बिहेव करते क्यों हैं। सोसाइटी इसको सुपरस्टिशन बोले या फिर इमोशनल कनेक्शन, जो भी हो ये एक मेंटल प्रॉब्लम है, तो इसके प्रति लोगों को अवेयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो बस इतना ही था आज की इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए सब जगह पर, और साइकोलॉजी से रिलेटेड और भी इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ देखने के लिए जुड़े रहिए द साइकोलॉजी क्लासेस के साथ। Thank you.